हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लव नेक्स्ट डोर कोरियन ड्रामा का एपिसोड 4। तो अगर आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पहले इसका लिंक दे दिया है, जाके चेकआउट कर लेना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ पर हमने पिछले एपिसोड को खत्म किया था। रियू कह रही थी अगर तुम्हें मौका मिले क्या तुम दोबारा स्विमिंग कर सकते हो, जिस पे वो बोला हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम्हारा क्या अगर तुम्हें ग्रिप में जाने का मौका मिले क्या तुम दोबारा ग्रिप में जाना चाहोगी, जिस पे वो बोली नहीं मैं कभी भी वापस नहीं जाना चाहूंगी। तभी वो डूबने लगती है तो सियांगो उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम रिलैक्स रहो। अगले सीन में हम देखते हैं सियांगो ने रियू को खुद के कपड़े दिए होते हैं पहनने के लिए, क्योंकि उसके पास बहुत कपड़े थे कार में, क्योंकि उसे बार बार बिजनेस ट्रिप पे जाना पड़ता था। वो कपड़े रियू को ढीले हो रहे थे, जिस वजह से सियांगो उसका मजाक उड़ाते हैं, कहने लगता है तुम बहुत ज्यादा शॉर्ट हो। ये सुनकर वो उसे मारने के लिए जा रही होती है, लेकिन सियांगो उसे रोक के कहता है कि तुम जरा रुको। तो रियू बोली मुझे वो कैप्सूल दो। वो बोला पहले तुम अपने पैर को नीचे करो, जिसपे वो अपने पैर को नीचे कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों मिलकर उस कैप्सूल को खोलते हैं, लेकिन उस कैप्सूल में सिर्फ उन दोनों का ही लेटर था, मोयम का लेटर नहीं था उसमें। फिर ये दोनों अपने अपने लेटर्स को पढ़ते हैं। रियो खुद के लेटर को पढ़ के इंबरेस फील कर रही होती है, लेकिन ये सियांगो तो अपने लेटर को देख के ही उसे छुपाने लग जाता है रियो से। रियो बोली तुम अपने लेटर को मुझे दिखाओ क्योंकि तुमने मेरे लेटर को पढ़ा था, लेकिन सियांगो लेटर को नहीं दिखा रहा होता है, जिस वजह से रियो उसके पीछा करने लगती है और सियांगो भाग रहा होता है, लेकिन रियो उसे पकड़ नहीं पाती। अगले सीन में हम देखते हैं सियांगो घर आकर जब लेटर को पढ़ता है तो वो इंबरेस फील करने लगता है, क्योंकि उस लेटर में रियो के लिए उसके मन में जो फीलिंग्स थे उसके बारे में लिखा था। सियांगो कह रहा था मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स थे जब मैं हाई स्कूल में था, लेकिन वो लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। अगले मॉर्निंग को हम देखते हैं रियू उसे धक्का मार के उसे इग्नोर करके जा रही होती है। सियांगो बोला कि हिट एंड रन नहीं था। रियू बोली क्या मेरे फेस को देख के तुम्हें ये नहीं लग रहा कि मैं तुमसे मिसअप नहीं करना चाहती। सियांगो बोला वैसे तुम गए कहाँ पर थे। तो रियू बोली मैं लाइब्रेरी गई थी, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। सियांगो बोला तो फिर ठीक है ये क्यों जा रहा होता है। तो रियू उसके पास आके बोली मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, ये कह के वो वोकेशनल इंसाइक्लोपीडिया निकाल के कहती है अब मैं इसकी मदद से मेरे ड्रीम्स को ढूंढूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं रियू सियांगो के साथ उसका ऑफिस आ गई थी, एंड यहाँ पर मियांगो सियांगो से कह रहा था कि लगता है मैं सपना देख रहा हूँ, हमें ग्रिप ने कांटेक्ट किया है, वो सियोल में अपना न्यू ऑफिस खोलना चाहते हैं। ये बात सुनकर रियू का तो मुंह ही उतर जाता है। अब इनको ग्रिप के ईमेल का रिप्लाई देना था इंग्लिश में, जो कि इनको नहीं आता था। रियू तो ईमेल को देख के कहने लगती है ग्रिप हमेशा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है, और देख के कह देते हैं इस ईमेल को जेनिफर ने भेजा है। ये सुनकर मियांगो कहता है मैंने सुना था कि तुम यूएस में जॉब करती हो, तो वो कहती है हाँ मैं ग्रिप में ही जॉब करती थी। ये सुनकर मियांगो कहने लगता है क्या तुम हमारी मदद कर दोगे। सियांगो और रियू को वापस से ग्रिप के झमेले में घसीटना नहीं चाहता था, इसलिए वो कहने लगता है कि मैं कल से ही अच्छे इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन कर लूंगा। मियांगो की इतनी रिक्वेस्ट करने की वजह से रियू भी मान जाती है हेल्प करने के लिए। अगले सीन में हम मोयम को देखते हैं, वो एक स्टोर में आए थे ड्रिंक लेने के लिए, लेकिन उसे सेम ड्रिंक को दानो ले लेता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक रहते हैं। तभी मोयम बोली तुम्हें मेरे नाम कैसे पता चला। तो दानो कहता है मैं किसी के एहसान को जल्दी नहीं भूल जाता, वैसे तुम के यही आसपास रहती हूँ, जिसपे वो कहती है हाँ मैं यही पर ही रहती हूँ। तो दानो भी बोला मैं रिसेंटली यही पर मूव हुआ हूँ। मोयम को ये ड्रिंक तो बहुत ज्यादा पसंद था, तो वो कहने लगते तुम इस ड्रिंक को कितनी देर तक पकड़े रहोगे, तुम प्लीज इसे छोड़ दो। जिसपे दानो कहता कि नहीं, क्योंकि दानो को भी ये ड्रिंक बहुत ज्यादा पसंद था। मोयम बोली मैं इस ड्रिंक को 20 साल से पीती आ रही हूँ और ये मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट ड्रिंक है। दानो कहता है मुझे भी ये बहुत ज्यादा पसंद है और मैं इसे 21 साल से पीता आ रहा हूँ। तभी इन लोगों के सामने रियू और सियांगो आ जाते हैं, एंड अगले सीन में हम देखते हैं इन चारों को एक साथ ड्रिंक करते हुए, जहाँ पर रियू कह रही थी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सियांगो और मोयम को पहले से ही जानती हो। तभी मोयम बोली थैंक यू मुझे ये ड्रिंक दे देने के लिए, जिसपे वो बोला मैंने तुम्हें ये ड्रिंक नहीं दिया है, जब मैं इन लोगों को ग्रीट कर रहा था तब तुमने इसके बिल को पे कर दिया था। तभी दानो रियू को देखकर कहने लगा लगता है मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, वैसे तुम लोग क्या चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो। जिसपे सियांगो बोला तुम ऐसा भी कह सकते हो क्योंकि हमारी मॉम्स हाई स्कूल फ्रेंड्स थी, वैसे तुम कहाँ पर रहते हो। ये सुनकर दानो कहने लगा मैं यही कहीं पर रहता हूँ, ये कह के वो जल्दी से जाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं रियू मोयम से कह रही थी तुम्हें उस टाइम कैप्सूल के बारे में याद है, आज हमने उसे खोला लेकिन उसमें तुम्हारा लेटर नहीं था। ये सुनकर मोयम कहने लगती है मैंने तो उसे पहले ही खोल लिया था क्योंकि मैं क्यूरियस था और मैंने तुम दोनों के लेटर को बनाया, लेकिन मुझे सियांगो के लेटर के बारे में याद नहीं है, वैसे तुमने क्या लिखा था सियांगो। ये सुनकर रियू कहने लगी सियांगो ने मेरा लेटर पढ़ाया लेकिन उसने उसका लेटर मुझे नहीं दिखाया, मोयम ने उसका लेटर पढ़ाया। ये सुनकर वो नर्वस हो जाता है, इस वजह से सियांगो कॉल का बहाना करके उसे निकल लेता है। अगले मॉर्निंग को रियू मियांगो और सियांगो के साथ ग्रीप के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग करके मिलने के टाइम को फिक्स कर लेती है, जिसके बाद सियांगो और मियांगो किसी काम की वजह से चले जाते हैं वहाँ से, एंड तभी रियू सोने लगती है उनके बातें को क्योंकि कॉल अभी भी कॉल कट नहीं हुआ था। उन लोगों ने हवावन एंड सियांगो की कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया था जानबूझ के, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था सियांगो की कंपनी हवावन कंपनी से जीत नहीं पाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं मोयम की मॉम को जो कि एक बॉक्स को ले जा रही होती है अपनी शॉप पे। तभी यहाँ पर हम दानो को देखते हैं क्योंकि दानो मोयम के घर के पास वाले घर में ही शिफ्ट हुआ था, तो दानो मोयम की मॉम की हेल्प करता है उसको ले जाने के लिए शॉप तक। तभी शॉप पर रियू की मॉम भी आती है और वो दानो को देख के कहने लगती है कौन है, तो मोयम की मॉम कहती है ये हमारे पास वाले घर में ही शिफ्ट हुआ है। रियू की मॉम तो दानो को देख के कहने लगती है कि ये बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसकी और रियू की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन मॉम की मॉम कहने लगती है कि ऐसा मॉम कहने लेती इसे कोई चांस भी नहीं है, और वो रीजन कह नहीं वाली थी लेकिन किसी रीजन की वजह से वो कह नहीं पाती।
अगले सीन में हम रियो को देखते हैं, वो सियोंग से कह रही थी तुम ग्रिप के साथ एक काम मत करो, जिसपे वो कह रहा था क्यों, वो बोली तुम्हारे और मियोंग के जाने के बाद मैंने ग्रिप के बातों को सुन लिया था, वो हवाबुन कंपनी के साथ ये काम करना चाहते हैं। ऐसे वो बोला क्या तुमने इस बात को मियोंग को बताया, जिसपे वो बोले कि नहीं, तो वो बोला कि तुम इस बारे में उसको कुछ भी मत कहना, वो बोली क्या तुम इस काम को भी करना चाहते हो, जिसपे वो नहीं मान रहा था, वो कह रहा था कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, तो वो कहने लगे ये टाइम की बर्बादी होगी, तो कहने लगा तुम मेरे हार्डवर्क के ऊपर क्वेश्चन मत करो। इस बात की वजह से इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है एंड सियोंग उसे जाने के लिए कहता है, जाते हुए रियो ये कह के जाती है तुम्हें नहीं लगता मिस्टर यून को इस बारे में जानना चाहिए। अगले सीन में हम मोयम को देखते हैं, वो एक स्टोर में जाके एक चॉकलेट को ले रही होती है एंड उसी सेम चॉकलेट को दानो भी पकड़ लेता है एंड इनके बीच में फिर से झगड़ा स्टार्ट हो जाता है एक चॉकलेट को लेके। मोयम बोली तुम्हें नहीं पता ये एक रेयर जेम है और ये हमेशा नहीं मिलता, तभी वहाँ के वर्कर एक दूसरा चॉकलेट निकाल के देती है सेम वैसे ही फ्लेवर वाला एंड इन दोनों को पे करने के लिए कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं दानो घर आके अपने हाई स्कूल वाले कैमरे को देखे, उस कैमरे के पिक्चर को देखने लगता है, उस कैमरे में सियोंग के स्विमिंग कॉम्पिटिशन का भी पिक्चर था एंड दानो तभी एक पिक्चर को देख के स्माइल करने लगता है एंड अगले सीन में हम देखते हैं सियोंग को जो की कहीं पर जा रहा होता है, तभी उसके फोन में दानो एक पिक्चर सेंड करता है एंड उस पिक्चर में सियोंग और रियो एक साथ थे। अगले सीन में हम देखते हैं मियोंग सियोंग से कह रहा था कि रियो हमसे होटल में ही मिलेगी, जिसपे सियोंग कहता है कि नहीं वो आज नहीं आएगी, लेकिन रियो तो पहले से उनका बाहर वेट कर रही थी। अगले सीन में हम इन लोगों को होटल में देखते हैं, ये लोग यहाँ पर ग्रिप के लोगों का वेट कर रहे थे, तभी मियोंग को बाथरूम जाना था तो वो वहाँ से चला जाता है बाथरूम के लिए, तभी सियोंग रियो से बोला तुमने कहा था कि तुम नहीं आओगी, तो रियो बोली मैं नहीं चाहती थी कि तुम इंग्लिश की वजह से सफर करो इतना ज्यादा। तभी यहाँ पर ग्रिप से भेजे गए लोग आ जाते हैं, इनको देख के रियो शॉक रहती है, तभी एक लड़का कहने लगता है हम बड़े दिनों बाद मिले रियो, फिर वो सियोंग से बोला मेरा नाम क्रिश है एंड सियोंग भी उस एंड सियोंग भी अपना नाम कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं मीटिंग का, जहाँ पर क्रिश कह रहा था रियो को दोबारा देख के मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, ये सुनकर मियोंग कहने लगा क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हो, जिसपे रियो ऑकवर्ड होकर बोली कि हाँ, क्रिश बोला इसने सडनली कहा कि ये कोरिया वापस जाना चाहती है, ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ। तभी एक लेडी कहने लगती है तो फिर तुम रियो हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, इसमें कोई शक नहीं कि तुम अपने काम के लिए बहुत ज्यादा शेमलेस भी हो सकती हो, तभी क्रिश कहने लगा ये अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट थी। अगले सीन फिर यहाँ पर हम फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं, जहाँ पर क्रिश सबके सामने अच्छी बनने की कोशिश किया करता था और रियो को हमेशा सपोर्ट भी करता था, वैसे रियो उससे इंप्रेस भी हो गई थी, लेकिन क्रिश रियो के पीठ पीछे अपने कलीग्स के साथ उसकी बुराई किया करता था, ये सभी रियो से अपने सभी काम करवाए करते थे एंड एक दिन रियो ये सभी बातें सुन लेती है इनकी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा सैड हो गई थी एंड प्रेजेंट में वो इतने ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी कि उससे पानी का ग्लास नीचे गिर जाता है एंड सियोंग उसे संभालता है, तो वो एंड वो वॉशरूम का बहाना करके वो वॉशरूम चली जाती है। फिर वो जब वॉशरूम से आ रही थी तब क्रिश उसे रोक के उसे बातें सुनाते हुए कहने लगा तुम ऐसे एक लड़के हो जिसे बहुत आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है और जिससे सभी के काम करवाया जा सकता है एंड ये बातें सियोंग ने सुन लिया था, जिस वजह से वो क्रिश के कॉलर को पकड़ के बोला तुम ये अभी क्या बोलते, तो क्रिश बोला मैंने सोचा था कि तुम नहीं समझोगी इस बात को, वैसे तुम क्या ग्रिप के साथ काम नहीं करना चाहते, ये सुनकर रियो उन लोगों को रोक के बोली ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, प्लीज तुम इन सब चीजों में कंपनी को इन्वॉल्व मत करो, अब मैं इन लोगों के साथ कोई भी काम नहीं करूंगी, तो क्रिश बोला तुम्हें पहले प्लीज बोलना होगा, तो वो प्लीज बोलने लगती है लेकिन तभी वो उसे स्लैप मार के उसे किक मारती है और बोले अगर तुमने ट्रबल क्रिएट किया तो मैं जरा भी टाइम नहीं लगाऊंगी तुम्हारे खिलाफ सभी एविडेंस ग्रिप के पास भेजने के लिए। फिर रियो उसे जाने लगी तो उसके पीछे सियोंग भी जाने लगा। अगले सीन में हम इन दोनों को जो बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर रियो कह रही थी मैंने जब कंपनी को छोड़ा तब मैं क्रिश और उसके कलीग्स को ही क्लेम किया करती थी मेरे जॉब रिजाइन करने की वजह से, लेकिन जब मैंने तुम्हें काम करते हुए देखा तब मैंने रियलाइज किया ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ये सुन के सियोंग कहने लगा वो लोग ऐसे कैसे तुम्हें वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट कर सकते थे, ये तुम्हारी मर्जी कि तुम अपने वर्क को पसंद करती हो या फिर नहीं, आज तो मैं उसे मार ही डालता। फिर वो उसे कह रहा था कि तुम मेरे से चलो। अगले सीन में हम देखते हैं इन दोनों को एक जगह पे, जहाँ पर सियोंग एक लॉक को लेकर रियो को उस पे और उन सभी लोगों के नाम को लिखने के लिए कह रहा था जो इन लोगों ने रियो को हैरास किया था। सियोंग बोला चलो क्रिश से शुरू करते हैं, उसका हेयर लॉस हो जाए, रियो उसे रोकने के लिए कह रही थी ये सब कुछ करने के लिए, जिसपे सियोंग बोला क्या तुम भूल गए उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया था, जिसपे रियो भी उन लोगों को कर्स्ट करने लगती है, रियो लोग लॉक को वहाँ पर लगा देते हैं। रियो बोली मैं तुमसे आज बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, ये सुनकर सियोंग कहने लगा तुम ये मत कहना कि तुम मुझे लाइक करते हो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रियो बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें सियोंग बोला तो फिर ठीक है। तभी मियोंग सियोंग के पास कॉल करके बोला ग्रिप ने हमें वो प्रोजेक्ट दे दिया है, ये सुनकर सियोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, तो मियोंग कहने लगता है डिजाइन टीम के लीडर को हमारा प्रपोजल बहुत ज्यादा पसंद आया और क्रिश को जॉब से भी निकाल दिया गया। तभी हम देख पाते हैं मियोंग के ऊपर क्रिश बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था कि तुम अब ग्रिप के साथ काम नहीं कर पाओगे, लेकिन मियोंग ने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लिया था और उससे बोला तुम जरा ध्यान से देखो ग्रिप का वाइस प्रेसिडेंट और मैं एक दूसरे को सोशल मीडिया में फॉलो करते हैं, ये देखे क्रिश कहने लगा तो फिर क्या हुआ, तो मियोंग बोला मैंने उसे तुम्हारी रिकॉर्डिंग जो भेज दिया है।
अब लगता है तुम ग्रिप में जॉब नहीं कर पाओगे। प्रेजेंट में रियो उस यंग से बोले मिस्टर यू ने क्या कहा तो उस यंग बोला क्रिस को जॉब से फायर कर दिया गया है क्योंकि ग्रिप का वाइस प्रेसिडेंट और मियांगो फ्रेंड्स है और हमें प्रोजेक्ट भी मिल गया है। ये सुनकर रियो बहुत ज्यादा खुश होकर उसे हक कर लेती है एंड सियांग को हैरान रहता है। एंड यहाँ पर हम फ्लैशबैक से देख पाते हैं पास्ट का जहाँ पर रियो सियांग का वेट कर रही थी बाहर, तभी पीछे से सियांग के बोला तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, आज तो तुम्हारा मॉक टेस्ट था ना। ये सुनकर रियो बोली ये तो बस एक मॉक टेस्ट था लेकिन तुम्हारा आज तो ये एंट्रेंस एग्जाम से था। सियांग बोला तुम्हें अच्छे स्कोर मिलने पर न्यू फोन मिलने वाला था। ये सुनकर वो बोली तुम जीते ना बस हो गया मुझे नहीं चाहिए न्यू फोन। ये सुनकर सियांग उसे अपना गोल्ड मेडल पहना देता है एंड यही पर दानों ने इनकी पिक्चर ली थी। फिर ये दोनों जाने लगते हैं। जाते हुए रियो कह रही थी क्या ये रियल गोल्ड है, क्या मैं इसे बाइट करके देख सकती हूँ। ये कह के वो बाइट करने लगती है। ये देख के सियांग हंसने लगता है एंड सियांग हमें बताता है मेरे मॉमलेट मुझसे मिलने पर नहीं आए थे लेकिन रियो ऐसी लड़की थी जो कि अपने एग्जाम को छोड़ के मुझसे मिलने के लिए आई थी। उससे मिलने के बाद ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं गया जब मैंने उसे लाइक नहीं किया हो लेकिन मैं उससे कहने के लिए डरता हूँ उसके लिए मेरे अंदर क्या फीलिंग्स है क्योंकि मुझे डर लगता है कि हमारी फ्रेंडशिप ना टूट जाए लेकिन मुझे पूरा यकीन है एडल्ट बनने के बाद मैं उसे अपनी फीलिंग्स बता दूंगा। एंड यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग एडल्ट बन गए थे एंड यहाँ पर ये दोनों ड्रिंक्स कर रहे थे। सियांग को कह रहा था तुम खुश हो ना तो क्योंकि तुम्हारा यूएस जाने का सपना पूरा हो रहा है। ये सुनकर रियो कहती है हाँ मैं थोड़ा खुश हूँ लेकिन मैं थोड़ा लोनली भी फील कर रही हूँ। तभी सियांग अपने बैग से बहुत सारे कॉमिक्स निकाल के उसे देता है गिफ्ट के तौर पर। ये देख के रियो खुश होकर कहने लगती है तुम बहुत ज्यादा बेस्ट हो एंड ये कहकर वो उसे हक कर लेती है, वो उसे किस भी करने वाली होती है। ये देख के सियांग की हार्ट बीट तेज हो जाती है, वो सियांग को किस पति लेकिन उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है। इसी के साथ ही ये एपिसोड पर एंड होता है। अब देखना यह है क्या सियांग को रियो को अपनी फीलिंग्स बता पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।